नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस महाशिवरात्रि आप किन तरीकों से करें पूजा अर्चना। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा होता है। भक्त इस दिन भगवान शिव को फल, फूल और दूध व जल चढ़ाते हैं। कई लोग इस खास मौके पर रुद्र अभिषेक भी कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया रुद्र अभिषेक काफ़ी फलित होता है। तो आइए जानते हैं इस बार किस दिन महाशिवरात्रि है और पूजा का मुहूर्त कब है। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च 2019 को शाम 4:28 से आरंभ होगी। इस दिन शिव भक्तों के लिए खास बात यह है कि इस दिन सोमवार है, जो कि भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत नक्षत्र के हिसाब से मंगलवार 5 मार्च 2019 को रखा जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है। फाल्गुन मास के दिन आने वाली महाशिवरात्रि पर शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए भी इस वर्ष को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन शिव की पूजा विधि विधान से करें। शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान इंसान की मुराद पूरी कर देता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव पर पूजा करते वक्त बेलपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, साथ ही मांगी हुई मुराद भी पूरी होगी। एक वर्ष में एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां पड़ती हैं, जिन्हें मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता और गायत्री देवी ने भी मासिक शिवरात्रियों का व्रत किया था और शिव कृपा से अनंत फल प्राप्त किया था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।